आई थिंक वी स्टार्टेड ओवर थिंकिंग थिंग्स. मुझे ऐसा लगता है कि ये सही बात है कि काफ़ी चीज़ें सोसाइटी को इम्पैक्ट करती हैं और फिल्म सोसाइटी को बहुत इम्पैक्ट करती हैं. और ये सही है कि फिल्म में अगर ऐसा कुछ हम दिखा रहे हैं जिससे बच्चों को या नॉर्मली हम सबको अगर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, वो डेफिनेटली फिल्म में नहीं होना चाहिए क्योंकि फिल्म एंटरटेनमेंट के लिए होती है. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, बट आई फील दैट वी आर बिकमिंग ओवर स्ट्रिक्ट एंड समवेयर वी आर गोइंग अगेंस्ट द फ्रीडम ऑफ मेकिंग फिल्म. यू नो, फिल्म आर लार्जर देन लाइफ. उसमें हम ऐसी चीज़ें दिखाते हैं तो जो जिंदगी में नहीं होती है, लेकिन उसको हम जब ओवर थिंक करेंगे और बहुत कुछ काटने लगेंगे तो वो डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी. यू नो, एंड वी शुड रियली अलाउ दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. यू नो, वी शुड रियली अलाउ फिल्म मेकर्स टू यूज द इमेजिनेटिव माइंड्स टू एंटरटेन यू ऑल ओनली. सो आई फील वी ओवर आई थिंक वी स्टार्टेड ओवर थिंकिंग. दैट्स व्हाट आई फील.